और अब रुख करेंगे 20 मिनट में 20 बड़ी खबरों का। शाम करीब 7 बजे का वक्त, अंधेरा हो चला था। दो अलग अलग ट्रेनों से हजारों यात्री अपने गंतव्य की तरफ जा रहे थे। कोलकाता चेन्नई कोरोमंडल एक्सप्रेस और यशवंतपुर हावड़ा एक्सप्रेस, दोनों ट्रेनें ओडिशा के बहानगा स्टेशन के पास से गुजर रही थी और तभी वो हुआ जिसका किसी को अंदाजा नहीं था। ट्रेनों की बोगियां जोरों जोरों से हिलने लगी, तेज आवाजें आईं, अगले ही पल मौके पर था तबाही का भयावह मंजर। जानकारी के मुताबिक स्टेशन से गुजरते हुए पहले यशवंतपुर हावड़ा एक्सप्रेस डीरेल हुई, इसके कुछ डिब्बे दूसरी तरफ से आ रही शालीमार चेन्नई कोरोमंडल एक्सप्रेस से टकरा गए और फिर कोरोमंडल एक्सप्रेस ट्रेन पास के ट्रैक पर खड़ी मालगाड़ी से टकरा गई। हादसे में 280 से ज्यादा यात्रियों की मौत हो गई है, 1000 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। सूचना के बाद हड़कंप मच गया। पीएम मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव, कांग्रेस नेता राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक सहित बड़े बड़े मंत्री और नेताओं ने हादसे पर दुख व्यक्त किया, मामले की जांच के आदेश दिए हैं। ओडिशा के बालासोर में हुई भीषण रेल दुर्घटना की तस्वीरें जिसने भी देखी वो सन्न रह गया। इससे बड़ी दुर्घटना लोगों ने अपने जीवन में शायद ही पहले कभी देखी हो। हादसा स्थल लग रहा था मानिए कबाड़ खाना हो। बोगियां एक दूसरे पर चढ़ी हुई थी, मालगाड़ी के रैक पर ट्रेन का इंजन, हर जगह खून से सनी लाशें, बोगियों पर खून के धब्बे और मौके पर मची चीत्कार चीख पुकार। जो मर गए वो तो मर गए, जो बच गए उसमें ज्यादातर बुरी तरह से लोग घायल हैं। रोते बिलखते हुए उन्होंने अपनों की तलाश की, खून से सने चेहरे, किसी के हाथ कटे तो किसी के पैर, लोग चीखते हुए अपनों के टुकड़े बटोरते दिखे। हालात ऐसे थे कि बोगियों में फंसे बच्चों और महिलाओं को कोच से बाहर निकालने के लिए सीढ़ी का सहारा लेना पड़ा। तस्वीरें विचलित करने वाली थी और हादसे में जिनकी जान बची उस पैसेंजर ने बताया कि हम S5 बोगी में थे, तेज आवाज हुई, हमारी नींद खुली और मैंने देखा कि ट्रेन पलट गई है। मेरी सीट ऊपर वाली थी, मैं वहां पंखा पकड़कर बैठा रहा, ट्रेन में भगदड़ मच गई थी, लोग बचाओ बचाओ चिल्ला रहे थे और एक दूसरे से यात्रियों ने बताया है कि मुझे ट्रेन में नींद आई थी, तभी गाड़ी पलट गई, झटके से मेरी नींद खुली और मैं रिजर्व बोगी में था, लेकिन इसमें जनरल बोगी जैसे लोग भी भरे हुए थे। मेरी आंखें खुली तो मैंने देखा कि 10 से 12 लोग मेरे ऊपर पड़े हुए हैं। जब मैं ट्रेन से बाहर निकला तो देखा कि किसी का हाथ नहीं है, किसी का पैर नहीं है, किसी का चेहरा खराब हो चुका है, मुझे हाथ और गर्दन पर चोट आई है। बालासोर में हुए हादसे के बाद मौके पर प्रशासन की टीम के साथ स्थानीय लोगों की भीड़ जुट गई। शनिवार सुबह केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव घटनास्थल पर पहुंचे, एनडीआरएफ की कई टीमें और 20 से ज्यादा फायर सर्विस एंड रेस्क्यू टीमों को राहत बचाव कार्य में लगाया गया। 1200 से ज्यादा बचाव कर्मी रेस्क्यू में जुट गए। बड़ी संख्या में स्थानीय लोग भी घायलों और मृतकों के शवों को निकालने में प्रशासन की मदद में जुटे रहे। घटनास्थल पर 115 एम्बुलेंस, 50 बसें और 45 मोबाइल हेल्थ यूनिट्स तैनात रहीं। इधर ओडिशा और पश्चिम बंगाल सरकार की तरफ से भी मौके पर मदद के लिए टीमें भेजी गईं। पीएम मोदी ने हादसे में मरने वाले लोगों के लिए 2 लाख रुपए और घायलों को 50,000 रुपए देने का ऐलान किया है। इधर रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने मारे गए लोगों के परिवार को 10 लाख रुपए और गंभीर रूप से घायल लोगों के लिए 2 लाख रुपए, चोट लगने वालों के लिए 50,000 रुपए सहायता राशि देने की घोषणा की। बालासोर रेल दुर्घटना के बाद कई तरह के सवाल उठ रहे हैं, कहां लापरवाही हुई, कहां चूक हुई, ये तो जांच का विषय है, लेकिन समझिए हादसे की पूरी कहानी। गाड़ी संख्या 12864, बेंगलुरु हावड़ा सुपरफास्ट एक्सप्रेस 1 जून को सुबह 7:30 बजे से बेंगलुरु के यशवंतपुर स्टेशन से चली, 2 जून को शाम करीब 8 बजे हावड़ा पहुंचना था और ये अपने समय से 3.5 घंटे की देरी से 6:30 बजे भद्रक पहुंची थी। अगला स्टेशन बालासोर था जहां ट्रेन 4 घंटे की देरी से पहुंचने वाली थी। ट्रेन नंबर 12841 शालीमार चेन्नई सेंट्रल कोरोमंडल एक्सप्रेस को 3 जून को शाम 5:30 बजे चेन्नई सेंट्रल पहुंचना था और ये अपने सही समय पर 6:37 पर बालासोर पहुंची। अगला स्टेशन भद्रक था, ट्रेन को 7:40 पर पहुंचना था लेकिन 7 बजे करीब दोनों ट्रेनें बहानगा बाजार स्टेशन के पास से आमने सामने से गुजरी और हादसा हुआ। यहां आपको बताएं कि कोरोमंडल एक्सप्रेस पहले भी उड़ीसा में हादसे का शिकार हो चुकी है।
3 फरवरी 2009 ओडिशा के जजपुर जिले में ट्रैक बदलते समय कोरोमंडल एक्सप्रेस की 13 बोगियां पटरी से उतर गई थी। हादसे में 16 लोगों की मौत हुई थी। तो सवाल ये कि ऐसे हादसों से सबक क्यों नहीं लिया जाता। ओडिशा के बालासोर में हुए हादसे में 280 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई। मरने वालों का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है और ऐसे में जानकारी भी बेहद जरूरी है कि क्या ये देश का सबसे बड़ा रेल हादसा है। तो हम आपको बता दें कि अब तक बड़े ट्रेन एक्सीडेंट की जानकारी 6 जून 1981 बिहार में पुल पार करते समय एक पैसेंजर ट्रेन बागमती नदी में गिर गई थी, जिसमें 750 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी थी। 20 अगस्त 1995 फिरोजाबाद के पास पुरुषोत्तम एक्सप्रेस खड़ी कालिंदी एक्सप्रेस से टकरा गई थी। इस हादसे में 305 लोगों की मौत हो गई थी। 2 अगस्त 1999 जब ब्रह्मपुत्र मेल उत्तर रेलवे के कटिहार डिवीजन के गैसल स्टेशन पर खड़ी अवध असम एक्सप्रेस से टकराई और इस हादसे में 285 से ज्यादा लोग मारे गए। 26 नवंबर 1998 जम्मू तवी सियालदह एक्सप्रेस पंजाब में गोल्डन टेम्पल मेल के पटरी से उतरे 3 डिब्बों से टकराई। 212 लोगों की जान जा चुकी थी। जो ढाबा कल तक गुलजार था, जहां तक लजीज व्यंजन परोसे जा रहे थे, वहां आज बुलडोजर दौड़ रहा है। दरअसल ये कार्रवाई भोपाल के अमूल्या ढाबे पर नगर निगम आबकारी विभाग और जिला प्रशासन की संयुक्त कार्रवाई के दौरान की गई। आपको बता दें कि अमूल्य ढाबे में खाने के साथ शराब परोसे जाने की खबरें सामने आई थीं, जिसके बाद आबकारी विभाग ने मदिरा पान करते हुए 42 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया था। आरोपी मालिक विजय कुमार मिश्रा और गार्डन संचालक अमित दयाल पर आबकारी अधिनियम के तहत प्रकरण दर्ज किया गया था और अब ये कार्रवाई। तफ्तीश शुरू हुई तो पता चला कि ये ढाबा अवैध रूप से संचालित किया जा रहा था और उसके बावजूद ढाबे में शराब का कारोबार। प्रशासन की इस कार्रवाई के बाद हड़कंप मच गया। उज्जैन महाकाल मंदिर में सुबह की भस्म आरती भक्तों को सबसे ज्यादा आकर्षित करती है। ऐसे में सुबह की भस्म आरती को लेकर भक्तों का उत्साह चरम पर होता है, लेकिन गर्भगृह की जगह छोटी होने के चलते सभी भक्त गर्भगृह में नहीं आ सकते। ऐसे में उज्जैन महाकाल मंदिर में सुबह की भस्म आरती में रोजाना सिर्फ 2200 लोगों को ही आरती में शामिल किया जाता है। इसके चलते कंपनी ने महाकाल लोक में नई तकनीक इजाद कर अब श्रद्धालुओं को वर्चुअल रियलिटी से भस्म आरती में सम्मिलित किया है। इससे भक्तों को ऐसा एहसास होगा कि वे गर्भगृह में भगवान महाकाल के पास खड़े होकर आरती देख रहे हैं। जी हां, डिवाइन टेक एक्सआर इनोवेशन कंपनी एआरवीआर तकनीक से महाकाल की भस्म आरती में शामिल होने का मौका दे रही है। इस तकनीक में श्रद्धालु 360 एंगल पर भस्म आरती को देख सकते हैं। उनको ऐसा एहसास होता है जैसे वे खुद ही भस्म आरती में मौजूद हैं। बीते दिनों आए आंधी तूफान में उज्जैन के महाकाल लोक स्थित सप्तऋषि की मूर्तियां टूट गई थी। इसके बाद बवाल मच गया। बवाल सियासत के गलियारों में आरोप भ्रष्टाचार के लगे और मांग इसकी जांच की। आखिर इतने पैसे खर्च हुए तो फिर मूर्तियां टूट कैसे गईं? अब लोकायुक्त ने महाकाल लोक की प्रतिमाओं की तकनीकी जांच शुरू कर दी है। लोकायुक्त की 2 सदस्यीय टीम उज्जैन जाकर खामियों का पता लगाएगी और 28 मई को आंधी से सप्तऋषि की 6 मूर्तियां टूटी थी। इसके बाद 29 मई को लोकायुक्त के सामने उज्जैन स्मार्ट सिटी के इंजीनियर की पेशी हुई। पेशी के दौरान इंजीनियर से दस्तावेज जमा कराने के लिए कहा गया, जिसके लिए इंजीनियर ने 26 जून तक का वक्त मांगा। मध्य प्रदेश की धरती पर्यटन स्थलों से भरी पड़ी है। राज्य में 12 नेशनल पार्क हैं, जहां अलग अलग प्रजाति के जंगली जानवर रहते हैं और इन्हें देखने के लिए सैलानियों की भीड़ उमड़ती है। नेशनल पार्क में सामने से बाघ, शेर, तेंदुआ, हिरण जैसे जंगली जानवरों का दीदार करना काफी रोमांचकारी होता है,
लेकिन अब ये रोमांच महंगा पड़ने वाला है। जी हाँ, प्रदेश के नेशनल पार्क में एंट्री फीस बढ़ाई जाएगी। ये वृद्धि 5-10% तक की जा सकती है, यानी अब अगर जानवरों को देखना है तो ज्यादा पैसे खर्च करने होंगे। वन विभाग 1 अक्टूबर से शुरू हो रहे नेचर टूरिज्म सीजन के लिए ही फीस के बढ़ाने की तैयारी कर रहा है। शुल्क बढ़ाने का प्रस्ताव तैयार कर लिया गया है। शासन की मुहर लगने के बाद बढ़ी हुई फीस लागू होगी। विकास की जब बात होती है उस लिस्ट में सड़क का नाम जरूर आता है। सरकार बेहतर सड़क बिछाने का दावा करती है और इसके लिए कदम भी उठा रही है। मध्य प्रदेश में अब नई तकनीक से सड़कों पर बने गड्ढे भरे जाएंगे। 7 जिलों में पायलट प्रोजेक्ट के तहत इसे लागू किया जाएगा। इंफ्रारेड रिसाइकलिंग टेक्नोलॉजी, जेट पेंचर तकनीक और वेलोसिटी पेंचर रिपेयर, इन तकनीकों से सड़कों को सुधारा जाएगा। आपको बताते चले कि जिन 7 जिलों को इसके लिए चुना गया है, ग्वालियर, मुरैना, दतिया, भिंड, भोपाल, सीहोर और रायसेन है। जहां 582 किलोमीटर सड़क परियोजनाओं का काम शुरू होगा। पेंचर टेक्नोलॉजी से भोपाल और सीहोर में 185 किलोमीटर सड़क के गड्ढे भरे जाएंगे। लोक निर्माण मंत्री गोपाल भार्गव ने इसके निर्देश दिए हैं। दरअसल तकनीक इसलिए लाई गई है क्योंकि पुरानी तकनीक से रिपेयरिंग में ज्यादा वक्त लगता था, गुणवत्ता पर भी सवाल खड़े होते थे। साइकिल पर शानदार स्टंट, जोश और एंटरटेनमेंट है फुल। नई पीढ़ी की भाषा में कहें तो कूल। देखिए तो जरा सीढ़ियों पर ये स्मूथ राइड। ग्वालियर के विपुल राव के लिए साइकिल किसी साथी से कम नहीं। विपुल ने साइकिल स्टंट में इतनी महारत हासिल कर ली है कि इनके हाथ में आते ही सिंपल साइकिल सुपरस्टार बन जाती है। लोग ये स्टंट देखते ही रह जाते हैं। बाइक और कार के जमाने में विपुल को साइकिल का शौक कैसे चढ़ा, आइए जानते हैं। शौक जुनून बन जाए, कमाल तो होना ही था। YouTube पर वीडियो देख विपुल ने सभी साइकिल स्टंट्स की प्रैक्टिस करना शुरू की और अब ये 10 से 12 तरीके के हैरत अंगेज स्टंट कर लेते हैं। इस शौक ने विपुल को पहचान भी दिलाई। 2017 में जर्मनी ऑनलाइन वर्ल्ड स्टंट चैंपियनशिप आयोजित की गई थी। इसमें दुनिया भर के बेहतरीन स्टंट बाज शामिल हुए। विपुल ने अपने दमदार स्टंट के दम पर वर्ल्ड लेवल पर पोजीशन हासिल की और इस पहचान के साथ पैसे भी आए। पेशे से इंजीनियर डिजाइनर विपुल अब अपने साइकिल स्टंट के लिए जाने जाते हैं। इनसे प्रेरित होकर कई युवा इनके साथ स्टंट सीखते हैं तो कई ऑनलाइन टिप्स लेते हैं। युवा मानते हैं कि इस दौर में साइकिल सेहत बनाने का सबसे बड़ा जरिया है। दुनिया ने कितनी ही रफ्तार पकड़ ली हो, साइकिल की सीधी चाल का कोई जोड़ नहीं। ये एनवायरनमेंट और फिटनेस फ्रेंडली तो है ही। विपुल जैसे युवा साइकिल के जरिए शोहरत और पैसे भी कमा रहे हैं।